हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन दोस्त में सभी का स्वागत है। दोस्तों तो देख सकते हैं आज मैं आपके साथ अपने ग्राउंड गार्डन शेयर करने वाला हूं। तो देख सकते हैं, आपको पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों क्या मैंने इस ग्राउंड गार्डन में क्या है, क्या प्लांट लगाए हैं, किस तरीके से अरेंज किया है, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये हमने एक गेट बनाया हुआ है बैम्बू का, जिस पर हमने साइप्रस वाइन को ग्रो किया है और ये हमने सीड से ग्रो की थी दोस्तों। और जिस टाइम इसकी ग्रोथ है बहुत ही अच्छी हैवी ग्रोथ है और काफ़ी बुशी ये बन चुकी है और इसने फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों छोटी छोटी सी ब्लूमिंग होती है रेड कलर में और काफ़ी खूबसूरत ये लगता है हमारा दिखने में, जो कि दोस्तों हम यहाँ से इसमें एंट्री करते हैं तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और जो हमारा गार्डन है दोस्तों उसे भी एक लुक क्रिएट करता है। तो काफ़ी खूबसूरत है ये दोस्तों, काफ़ी प्यारी सी वाइन होती है। तो इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बीच में सेंटर गार्डन है, तो इसमें भी दोस्तों हमने क्या किया है, मतलब क्या प्लांट्स ग्रो किया है। तो इसमें हमने पर्सनली इनको ग्रो किया है दो कलर में, यही थी हमारे पास, हमने इसी दोनों कलर को ग्रो कर दिया है इसमें। तो दोस्तों इसे देखकर तो दिल एकदम खुश ही हो जाता है मेरा, क्योंकि ये हैवी ब्लूमिंग करता है रोज इसी तरह से। तो देख सकते हैं कितनी हैवी इसने ब्लूमिंग की है, क्वान्टिटी में कितने फ्लोवर हैं और कितना ये खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। बीच बीच में दोस्तों कुछ एक मैंने ब्रांच देसी वाले पोर्चुला की लगा दी थी, तो वो भी आपको दिख सकते हैं कहीं कहीं एक आध फूल। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना ये। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है ना, तो इसमें दोस्तों घास जो है कभी ख़त्म नहीं होती, इसको कितना ही ख़त्म करने की कोशिश कर लो आ ही जाती है दोस्तों। रेनी सीजन है तो दोस्तों इस वजह से तो ये मुझे लगती है कि इतने की ही इतनी रहती है, इसे कितना ही काट लो या कुछ भी कर लो दोस्तों ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन फिर भी हमारा जो सेंटर गार्डन है ना एकदम खूबसूरत लग रहा है और ब्लूमिंग बहुत ही हैप्पी सी ये करता है रोज़ दोस्तों। तो ये जिस पर्सनल प्लांट जो होते हैं दोस्तों बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, और दोस्तों ये पोलिनेटर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो देख सकते हैं पोलिनेटर्स काफ़ी इसके आसपास घूमते रहते हैं। इधर ही हमारा जो गेट है दोस्तों, इसके एक साइड हमने साइप्रस वाइन को ग्रो किया था, दूसरी साइड अपराजिता वाइन को। तो ये भी दोस्तों ब्लूमिंग कर रही है धीरे धीरे से अभी, लेकिन छोटी है। इसके बाद क्रिसमस का प्लांट है दोस्तों, इसमें स्लो ग्रोथ होती है, मुझे ज़रूर बताइए कैसे 2 या 3 मंथ हो गए हैं दोस्तों इसमें, अब थोड़े से इसके लीव्स आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारा विंका का प्लांट है जो कि ब्लूमिंग करता रहता है, काफ़ी खूबसूरत लगती है हाईब्रिड विंका, बस ये थोड़ा रेनी सीजन से इसको बचाना होता है। इसके बाद है दोस्तों ये हमारा खलीफा का प्लांट है, ये भी वेरिएटेड लीव्स में है, काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों, ये ब्लूमिंग भी करते हैं और ये कटिंग से भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये इंग्लिश रोज का प्लांट है जो कि दोस्तों काफ़ी समय से ब्लूमिंग कर ही रहा है, जब से रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है। तो देख सकते हैं इधर ये हमारा है कोरल फाउंटेन, जिसको कोरल रात्री कहा जाता है, ये भी दोस्तों बहुत ही हैवी ब्लूमिंग कर रही थी इसमें कुछ टाइम पहले, लेकिन अब भी कर रहा है लेकिन इतनी हैवी नहीं है। इसके बाद मैक्सिकन प्लूमिया है दोस्तों, ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं और इसकी फ्लावरिंग भी इस टाइम भर कर ही होती है, होती रहती है। इधर ही हमारा सनफ्लावर है टॉप वैरायटी का, इसमें काफ़ी हैवी ब्लूमिंग की थी समर टाइम में और अब भी ये कर रहा है, अभी इसका जाने का टाइम हो चुका है। इधर ये भी एक प्लांट है जिसका मुझे नाम नहीं पता, इसमें भी काफ़ी प्यारी छोटी सी ब्लूमिंग होती है। इधर ये हमारे रोजेस के प्लांट हैं और देखो दोस्तों जंगली प्लांट बहुत हैं, इन्होंने सबको घेर रखा है, इनको ये ख़त्म नहीं होते हैं कितने भी कर लूँ मैं। तो देख सकते हैं इधर ये हमारे रोजेस का प्लांट है, इधर ये ग्रीन रोज़ है, वाइट था पिंक था और ये काफ़ी प्यारे लगते हैं दोस्तों। एक ये रोज़ का प्लांट ये है जो कि दोस्तों अपना कलर को चेंज करता रहता है, और दोस्तों इस गर्मी की वजह से इनका जो ब्लूमिंग का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन समर विंटर आने के बाद दोस्तों ये अपना फुल साइज़ देंगे हमें। और ये हमारी राखी वेल है जिसको पैशन फ्लावर कहा जाता है वाइन, तो ये काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन अभी इसने कोई हमें ब्लूमिंग नहीं दिया है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये हमारा दोस्तों है तुलसी का प्लांट, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी भी है, और ये हमारा लेमन साइप्रस, और ये देख सकते हैं हमारा इंग्लिश रोज है जो कि दोस्तों टाइम भर कर ब्लूमिंग की हुई है, बर्ड्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये हमारे गार्डन में दिख रहा है और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर ये बाकी हमारे प्लांट हैं दोस्तों, ये इंग्लिश रोज़ हैं इधर भी और क्रोटन्स के कुछ प्लांट हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल गार्डन दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए।